क्योंकि कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव और अग्रकांड लेकर के श्री नवद्वीप धाम में आए हैं, हैं? श्री नवद्वीप धाम में आए हैं, इसलिए ये धाम भी राधा जी का धाम भी ये धाम है। इसलिए आप लोग जो परिक्रमा करोगे ना, जैसे कोई गंगा सागर गए थे, कोई अलकानंदा, कोई चार धाम गए, सब जाएंगे। अब देखोगे जितने पृथ्वी का सारे धाम है, कहते ना तीर्थ सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ के सब के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, बोले गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है हम की श्री वृंदावन वासी प्रभु जी का राजा वृंदावन वासी। इसमें क्या कह रहे हैं, बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, प्रयाग किसको कहते हैं, प्रयाग है जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ पर मिलन है उसको प्रयाग कहते हैं। लेकिन कहते किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, लेकिन राधा रानी के जहाँ पर एक पग पड़ता है गिरता है, राधा जी की जहाँ पर एक पग कहते किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, बोले केशव के कई कुंड कोटि कोटि काशी है, बोले एक काशी नहीं, सबके सब दुनिया में जब अंतिम दर्पण मतलब जब अंतिम विश्वास छोड़ना कोई चाहता है मरना, वो जाते हैं काशी में, क्योंकि जब वो काशी जाते हैं शंकर जी उनको कानों में प्रभु का नाम को देख कर उनको मुक्ति देते हैं, इसलिए अंतिम समय में सब काशी जाना जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं श्री राधा रानी के चरण में एक काशी नहीं, बोले कोटि कोटि काशी है, बोले गोपिनी की द्वार पे बसत है हरिद्वार, सब चाहते हरिद्वार चलेगी, लेकिन कहते गोपी की राधा जी की कहते द्वार पे बसत है हरिद्वार और बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, इसलिए बद्री केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री इस सब के सब दास दास रूप में राधा जी चरण में। लेकिन वृंदावन धाम की कितने महिमा, इसलिए कहते स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, हमें ये स्वर्ग अपवर्ग मतलब मुक्ति सुख हमें लेकर करना क्या है, कहते जानकर नहीं है हम श्री वृंदावन वासी है। लेकिन वृंदावन धाम का जो महिमा, कहते वृंदावन धाम की जो महिमा है उससे करोड़ गुण ज्यादा महिमा भगवत धाम, ये शंकर स्वयं कह रहे हैं। शंकर जी कहते पार्वती ये अनंत संहिता की कथा है, जो कथा है ना ये अनंत संहिता में ये कथा श्री शंकर जी ये पार्वती को सुनाते हैं। कहते जिस समय श्री अनंत देव हैं, कहते एक समय श्री अनंत देव वो गए महाविष्णु के पास में, महाविष्णु को बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से हमने तो सारे तीर्थ भाषा भ्रमण किया है, लेकिन अभी तक श्री वृंदावन धाम अभी हम जा नहीं पाए, कहा नहीं जा पाए वृंदावन धाम में अभी मैं दर्शन नहीं कर पाए। देखो ये महाविष्णु स्वयं कहते हैं, बोले तुम्हारी बात छोड़ दो, महाविष्णु कहते भैया अभी तक भी मैं भी वृंदावन धाम नहीं जा पाया, जो गर्भ तथा साई विष्णु किरावती साई विष्णु हुए भी अभी तक श्री वृंदावन धाम का उनको भी अभी दर्शन नहीं हुआ है, इतने ये वृंदावन धाम की महिमा है। वृंदावन कौन कौन गए हो, हाथ उठाओ तो वृंदावन, यहाँ पर सब ब्रजवासी आ गए, इसलिए कहते वृंदावन में देखना भोले बाबा जी हैं, शंकर जी रास्तों में प्रवेश करने के लिए शंकर जी गोपी स्वर महादेव बने, स्वयं शंकर जी गोपी बने, उनको किसान कोड़ में बैठा दी गई, यहीं से रास दर्शन करो। लेकिन कृष्ण ने कहा भैया आज रासों में कहीं आनंद नहीं आ रहा है, लगता है कोई अनधिकारी व्यक्ति कोई प्रवेश तो नहीं किया, तो गोपियों ने ढूंढने लगे भैया कौन है, देखते देखते देखा है कि नई गोपी कुंज में बैठी है, नई गोपी कुंज में बैठी, उनको बोले भैया तेरे खसम का नाम क्या, वो तो चुप हो गई, वो तो गोपी नहीं, वो तो गोप है, इसलिए वो बोल नहीं पाए, इतने बोले तुम्हारी कौन सा गांव में तुम्हारी जन्म है, तो ब्रज में गांव है।